नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर शहर में लगातार आत्महत्या के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां एक युवक ने जहर पीकर आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जाँच में जुटी है। पूरा मामला इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है, जहां विनय, जिसकी उम्र 27 वर्ष है, वो घर से काम का बोलकर निकला था, जिसने अज्ञात कारणों के चलते घर के बाहर जाकर जहर खा लिया। वहीं जहर खाने के बाद जब युवक की तबीयत बिगड़ी तो युवक ने अपने दोस्त को फोन लगाकर कहा कि मैंने जहर खा लिया है, जिसके बाद दोस्त ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे ही घटनाक्रम में पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच में जुटी है। मेरा छोटा भाई, पता नहीं सर, उसने कुछ बताया नहीं हमको, ऐसे घर में कुछ बातचीत भी नहीं हुई हमारे। अचानक घर से निकला और 12:30 के आसपास आधी घंटे बोल के पेट्रोल डलवाने जा रहा हूँ। उसके बाद बहन का फोन आया, मेरी बहन ने बोला कि भैया ने कुछ खा लिया है, उसको ढूंढ जाके। तो मैंने गली के आसपास ढूंढा, चौराहे पे मिला मेरे को उसको, फिर जिला अस्पताल लेके वहां से इम्बाय लेके यहाँ आ गया, भर्ती कर दिया। उम्र थी 26-27 साल का होगा सर। क्या काम करता था ये? 420 पावर में काम करता था। क्या नाम था? विनय। तो और क्या जहर खाया? हाँ। क्या किसी दोस्तों को फोन लगाया था ऐसा कुछ? किसी दीपक नाम के दोस्तों को फोन लगाया था उसने कि भाई आजा, मैं चक्कर पर आ रहे हैं, मैंने कुछ खा लिया है। तो फिर दीपक का फोन मेरे पास आया था कि तेरे भाई ने कुछ खा लिया, उसको लेके चल। सुसाइड नोट मिला? कुछ भी नहीं मिला। क्या कारण वारण कुछ पता चला है? अभी तक सर कुछ पता नहीं चला हमको, ऐसा भी कुछ बात नहीं। ऐसा कुछ बात सामने ही? कोई बात नहीं सामने, बस बाकी पैसे मांगता था, 5-6 हजार मांगता था घर का। मैं क्यों मांगता था? बोला काम मेरे को, बस इतना बोलता था। पूछा नहीं आपने कि क्यों, क्या जरूरत थी? नहीं पूछा था, बाकी बोले ऐसे ही मेरे को काम, बस इतना बोला, बाकी कुछ नहीं बोला। अंकुर राठौर आपका बड़ा भाई। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी।